सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव महापर्व का ऐलान हो चुका है और इसी बीच शराब माफिया भी लगातार सक्रिय हो चुके हैं। फिलहाल इस वक्त मैं मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत त्यूरी गांव के खंधा में मौजूद हूं और आप हमारे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार शरीफ सदर DSP डॉक्टर सिबली नोमानी के नेतृत्व में इस समय छापेमारी की गई है और शराब माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत त्यूरी गांव के समीप एक बोरिंग से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से खुद बिहार शरीफ सदर DSP डॉक्टर सिबली नोमानी के नेतृत्व में 2-3 थाना की पुलिस यहाँ पर पहुंची है और इस जो शराब है उसे बरामद किया है। हम आपको बताते चले कि लगभग 10 लाख रुपए से अधिक का यहाँ पे शराब बरामद हुआ है और आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। हमारे साथ बिहार शरीफ सदर DSP डॉक्टर सिबली नोमानी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर रात में क्या कुछ कार्रवाई की गई है। सर, ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये एक बोरिंग है, इसमें जो शराब तस्कर हैं वो शराब को लाकर यहाँ डंप किए हुए हैं। इसी सूचना पे ये कार्रवाई की गई है। ये मानपुर थाना क्षेत्र है, त्यूरी गांव, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मुख्य सड़क के बगल में ये बोरिंग है। इसमें ताला लॉक था बाहर से ताकि किसी को आइडिया नहीं लगे, लेकिन सूचना प्राप्त हुई उसमें हम लोगों ने कार्रवाई किया है। यहाँ अस्थावा के पुलिस पदाधिकारी, मानपुर थाना अध्यक्ष, बिहार थाना अध्यक्ष एवं अन्य पुलिसकर्मी सभी मिलकर हम लोग यहाँ छापेमारी किए हैं और जो रिकवरी है उसको प्रॉपर हम लोग यहाँ से रिकवर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि लगभग एक ट्रक से यहाँ शराब को लाया गया है और यहाँ डंप किया गया है और यहाँ से ये लोग अन्य जगह यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन तत्क्षण हम लोगों को सूचना मिल गई, उसके आलोक में ये हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पूरा विधिवत इसकी जब्ती सूची बनाई जाएगी और ये जो रिकवरी है इससे के संबंध में जानकारी हम लोगों को आसूचना मिला है, जिनके विरुद्ध हम लोग विधिवत कार्रवाई सॉलिड कार्रवाई करेंगे ताकि इसका जो सोर्स है, जो जहां से ये लोग लाए हैं और जहां से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये लोग यहां डंप किए थे, सभी बिंदुओं पे हम लोग काफ़ी बारीकी से गहराई से हम लोग एविडेंस को कलेक्ट करें, विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। लगभग कितने का शराब बरामद हुआ है सर? जैसा आप लोग देख रहे हैं काफ़ी मतलब है इसमें, हमको लगता है कि 10 लाख से अधिक का शराब होगा, लेकिन विधिवत जो काउंटिंग है उसके बाद ही सारी वस्तुस्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सर, इस शराब बरामदगी से कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव को जोड़ा जा सकता है कि पंचायत चुनाव में इसका इस्तेमाल किया? निश्चित है, नालंदा पुलिस के द्वारा लगातार हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में हम लोग अवैध हथियार, अपराधकर्मी, वांछित अपराधकर्मी, विभिन्न कांडों में, शराब के कांडों में जो बालू अवैध माइनिंग के विरुद्ध कार्रवाई लगातार हम लोग कर रहे हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में ये हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसी क्रम में ये कार्रवाई हुई है और इसमें हम लोग जितने भी इसमें जुड़े हुए होंगे जो भी, उनके विरुद्ध हम लोग इसमें सॉलिड कार्रवाई करेंगे। सर, स्थानीय चौकीदार यहाँ रहते हैं? निश्चित रूप से, जैसे गांव है जैसे बगल में, जैसा आप लोग मुख्य सड़क पर देख रहे हैं, यहाँ गाड़ी आई होगी, व्हीकल आया होगा, वहाँ से इसको उतार के इसमें रखा गया होगा। हमारे जो चौकीदार हैं उनकी जिम्मेदारी ज़रूर इसमें फिक्स की जाएगी कि क्यों नहीं आपने सूचना दिया। वरीय पदाधिकारी हम लोग मुख्यालय से आके रेड करते हैं, लेकिन स्थानीय जो हमारे जो सूचना का तंत्र है, चौकीदार एवं अन्य जो माध्यम है, उन लोगों से के माध्यम से हम लोगों को सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ बिहार शरीफ सदर DSP डॉक्टर सिबली नोमानी, आप उनको सुन रहे थे। इन्होंने बताया कि शराब माफियाओं के द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ किसी दूसरे जगह से शराब लाकर इस बोरिंग में डंप किया गया था और किसी दूसरे जगह इसे बाद में भेजा जाता। हम आपको अंदर भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से, आप देख लीजिए खुद कि किस तरह से यहाँ अंदर भारी मात्रा में जो शराब है वो अंदर रखा गया था ताकि यहाँ से फिर बाद में शराब जो है सो किसी दूसरे जगह भेजा जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी मात्रा में यहाँ अंग्रेजी शराब, हम आपको दिखाएंगे ये
शराब की बोतलें हैं और इस तरह की बहुत सारा जो शराब की बोतल है वो अंदर भी है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि जरा आप अंदर दिखा दीजिए कि किस तरह से अंदर पूरा बोरिंग में जो है वो शराब भरा पड़ा हुआ है। और हम आपको बताते चले कि बिहार में पंचायत चुनाव है और निश्चित तौर पर बिहार में शराबबंदी है, बावजूद शराब माफिया शराब के अवैध कारोबार को करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार नालंदा पुलिस भी इन शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार शरीफ सदर DSP डॉक्टर सिबली नोमानी के नेतृत्व में अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ यहां पहुंचकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुँचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।